पहाड़ों के बिना ये दुनिया और बालों के बिना आप, सोचकर ही डर लगता है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने सारे बाल निकलवाने पर हल्का और फ्रेश फील करते हैं। तो क्या पहाड़ों के खत्म हो जाने से दुनिया और भी बेहतर हो जाएंगी? बताता हूँ, पहले ये देखो। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त भी धरती पर बोझ है तो उन तक ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। पहले तो हमें समझना होगा, जिस तरह झाड़, पानी, हवा हमारे लिए जरूरी है, वैसे ये पहाड़ भी उतने ही जरूरी है। और सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, कई सारे जानवर परिंदे पहाड़ों में बसते हैं, और इन पहाड़ों के खत्म हो जाने से उनकी जिंदगी भी खत्म ही हो जाएंगी। इतना ही नहीं, आज ये जो डिफरेंट कल्चर्स सिविलाइजेशन मौजूद है, ये भी इन पहाड़ों ही की वजह से है। ये दुनिया को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं, और पहाड़ों ने ही हमें बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज दिए है, जैसे कि फ्रेश वाटर। बहुत सारी नदियाँ पहाड़ों पर बने ग्लेशियर्स से निकलती है, जिससे हमें पीने का पानी और इस्तेमाल करने का पानी मिलता है। और पहाड़ ना हो तो ये नदियाँ सूखने लगे, और कुछ इलाकों में तो शायद पानी खत्म ही हो जाए। बारिश को भी यही पहाड़ कंट्रोल करते हैं। बादलों को ब्लॉक करना, उनकी डायरेक्शन को बदलना पहाड़ों की वजह से होता है। और अगर पहाड़ ना हो तो कहीं सूखा पड़ने लगे और कहीं बाढ़ आ जाए। तो सवाल था, क्या दुनिया पहाड़ों के बिना बेहतर हो सकती है? जवाब है नहीं। बताता हूँ क्यों, क्योंकि शायद पहाड़ों के बिना दुनिया हो ही ना। फ्रेश वाटर और बारिश के अलावा ये हवा को भी कंट्रोल करते हैं। तेज चलने वाली हवा की डायरेक्शन को बदलना और हवा को स्लो करना, ये पहाड़ों ही की वजह से होता है, वरना हमारा जमीन पर चलना मुश्किल हो जाए। ये तो कुछ भी नहीं, ये इरोजन को रोकते हैं। अब ये इरोजन क्या होता है? जगह जगह मिट्टी कटने लगती है। आपने कई जगह ऐसी दरारें देखी होंगी, लेकिन अगर पहाड़ ना हो तो ये और भी ज्यादा बढ़ने लगे, और इससे गांव और शहर हर जगह मुसीबत बढ़ जाएंगी। अर्थक्वेक्स, पहाड़ अर्थ की वाइब्रेशन को कंट्रोल करते हैं। अब आप सोचिए, आपके जेब में जब मोबाइल वाइब्रेट करता है तो कैसा फील होता है? अगर हमारी जमीन भी ऐसे ही वाइब्रेट करने लगे तो क्या हो? और इसी वाइब्रेशन की वजह से अर्थक्वेक बढ़ने लगेंगे और जमीन कांपने लगेगी, जिस पर चलना तो क्या रहना भी मुश्किल हो जाएगा। और कुछ सालों या महीनों में नहीं, शायद कुछ दिनों और घंटों में ही हमारी दुनिया खत्म हो जाए।